हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। त्रिलोकी के समस्त चराचर प्राणियों में एकमात्र आधार यही तो है। मैं तो इनके कोटि कोटि भक्तों में से एक तुच्छ गुणहीन और अहंकारी भक्त हूं, और इनके हृदय की विशालता देखिए कि मुझ जैसी अहंकारी भक्त की बात रखने के लिए ये आपके सेवक बने चटनी पीस रहे हैं। मेरी इस भयंकर भूल का कोई प्रायश्चित हो तो मुझे बताइए, उस प्रायश्चित की कीमत यदि मेरे प्राणों से चुकाई जा सकती है तो मैं इसी क्षण अपने प्राण आपके चरणों पर लोछावर करने के लिए तैयार हूं। मेरे प्राण ले लीजिए मुनिवर, मेरे स्वामी को मेरे वचनों से मुक्त कर दीजिए। नारायण नारायण, नहीं देवी नहीं, आपके प्राण तो मैं नहीं ले सकता, वह तो काल भगवान की संपत्ति है, इसीलिए प्राणों को अमूल्य कहा जाता है। हाँ, यदि प्रायश्चित के तौर पर इनके बदले में कोई कीमत चुकानी हो, हाँ, तो प्राणों जैसी अमूल्य वस्तु को छोड़कर कोई मूल्यवान वस्तु इनके बदले में दे दो, हम इन्हें मुक्त कर देंगे। सच? हाँ देवी, अपने पति के लिए आपके हृदय में इतनी गहरी भावना देखकर मेरा हृदय भी पिघल गया। सो मैंने इन्हें मुक्त करने का निश्चय कर लिया है, सो आप इनका कुछ तो मोल चुका दो। कुछ क्या मुनिवर, इनके बदले में तो मैं आपको इतना दूंगी जितना आज तक आपको किसी ने ना दिया होगा। मेरे पास ऐसी अमूल्य मणियां हैं, ऐसे ऐसे रत्न हैं, इतना सोना है कि आप समेटते समेटते थक जाएंगे परंतु सोना खत्म नहीं होगा। नारायण नारायण, मैं इतने धन का क्या करूंगा देवी? शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण को लोभी नहीं होना चाहिए, मैं तो उतना ही लूंगा जितने शास्त्र में मर्यादा है। शास्त्र में कितनी मर्यादा है? शास्त्र कहता है कि इस परिस्थिति में इनके तोल के बराबर कोई भी पदार्थ दे दीजिए, बस प्रायश्चित स्वीकार हो जाएगा। कोई भी पदार्थ अर्थात? नारायण नारायण, अर्थात कुछ भी देवी, कुछ भी, फल हो, फूल हो, अन्न हो, चावल हो, चाहे पत्ते ही हो देवी, जो कुछ भी हो आप श्रद्धा से इनके तोल के बराबर देंगी वो मैं स्वीकार कर लूंगा। धन्यवाद देवर्षि, परंतु जब सत्यभामा इनका तुलादान करेगी तो फूल पत्तों से नहीं, सोने चांदी से करेगी, मारिक मोतियों से करेगी। नारायण नारायण, जैसी आपकी इच्छा देवी, तुलादान का प्रबंध कीजिए। जी। तोलने चली है एक
क्या कोई उनका मोल लगाए, इन रत्नों से तोला जाए, धर्म अर्थ काम मोक्ष के स्वयं जो दानी, कृष्ण जी को छोलने चली है एक दीवानी, जगतपति को तोलने चली है एक दीवानी। वेद भी जिनका भेद न जाने, आगम जिनको अगम बखाने, चाहे रख दो सृष्टि सारी, कृष्ण का पलड़ा फिर भी भारी, हीरा पन्ना माणिक मोती, प्रभु समता इनसे कब होती, तोल माले का प्रश्न कहाँ है, कृष्ण सा दूजा कृष्ण कहाँ है, मायापति को जाने न मायापति की रानी, कृष्ण जी को तोलने चली है एक दीवानी, जगतपति को तोलने चली है एक दीवानी। देवी सत्य मामा नारायण नारायण। जाओ जाओ और लेकर आओ, लेकर आओ, लेकर आओ, लेकर आओ। चमकीले पत्थर तेरे अहम की भाषा बोल रहे हैं, रत्नों के कोश टटोल रही है तू, हर तेरा हृदय टटोल रहे हैं, टोल रही तू श्री हरि को, तोल रही तू श्री हरि को, हर तेरी भक्ति को तोल रहे हैं, तोल रही तू श्री हरि को, हर तेरी भक्ति को तोल रहे हैं, आपन जाने के तो हे प्रभु तेरे अहम की ग्रंथियां खोल रहे हैं, आपन जाने के तो हे प्रभु तेरे अहम की ग्रंथियां खोल रहे हैं। श्रद्धा के साथ चढ़ा दो और इसके साथ अपनी आत्मा भी चढ़ा दो इस तुला पर।
निश्चय ही जीत तुम्हारी होगी सत्यभामा। धन का अहंकार छोड़ो, ये तो तुलसी के पत्ते से भी रीत जाएंगे। पात से हार गए भगवान।